दोस्तों 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने के रिजल्ट आए हैं और एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इस रिजल्ट्स की, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं डिपॉजिट से कि बैंक में पैसा जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखिए लगभग 14.46 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स है, चाहे वो करंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट्स में हो, और वो पिछले साल की तुलना में, मतलब जो दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर था उसके तुलना में लगभग 14% इंक्रीज हुआ है। जो बैंक के लिए जो थोड़ा सस्ता पैसा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, लगभग 24.6% इनफैक्ट 24.6% ये बढ़ा है। और ओवरऑल अगर डिपॉजिट देखे जाए तो 47.1% कासा है, जो कि ये जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है और ये जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा है। कासा किसी भी बैंक के लिए जितना ज्यादा हो कंपेयर्ड टू फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स है, जितना हो उतना अच्छा होता है दोस्तों। दूसरा, डिपॉजिट्स तो आ गए, क्या लोन जा रही है? तो देखिए 12.60 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतनी लोन गई है, मतलब एक साल में, अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो टोटल अभी इतना का लोन जो है एचडीएफसी बैंक का, अब देख सकते हैं 16.5% पिछले दिसंबर से इंक्रीज हुआ है। मतलब आप सोचिए कि एक 12 लाख करोड़ की लोन उनकी एचडीएफसी बैंक की है, चाहे वो रिटेल में हो, कमर्शियल में हो या फिर होलसेल, जो बड़े कॉरपोरेट्स हो सबको। और देखिए सब जगह ग्रोथ हुआ है, रिटेल लोन 13% से ऊपर का ग्रोथ हो, रूरल एरिया के बारे में, कमर्शियल एरिया के बारे में देखिए वहां पर ग्रोथ देखिए, लगभग 30% वहां पर लोन ग्रोथ हुआ है, कॉर्पोरेट होलसेल 7.5%। और यहाँ थोड़ी सी अलग चीज मैं बता दूं, जब ये कोविड आया था तो बहुत कंसर्न था कि लोन ग्रोथ होगा कि नहीं, एडवांसेस का ग्रोथ होगा कि नहीं, तो ये जो रिजल्ट है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के ही थ्रू में मत देखिए, दूसरे भी बैंक्स के बारे में देखिए कि लोन ग्रोथ हो रहा है। और इस वातावरण में भी अगर लोन ग्रोथ हो रहा है, जहां थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, जहां पर थोड़ा सा बिजनेस को लेकर थोड़ा स्केप्टिसिज्म है, लेकिन इस टाइम में भी 16% से ऊपर का लोन ग्रोथ हुआ है, इसे मैं इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव मानूंगा, थोड़ा एचडीएफसी बैंक को भी अगर मैं साइड में रखता हूं तो। तीसरी चीज, एनपीए, ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, ठीक है? तो देखिए आप सितंबर का डेटा देखिए, 1.35% ग्रॉस एनपीए था, अभी 1.26%, मतलब एनपीए भी कम हो रहे हैं, बहुत अच्छा। नेट एनपीए 0.4 से 0.37%, तो नेट एनपीए भी जरा सा कम हुआ है। और एनपीए ही ऐसी चीज है, जब इन्वेस्टर बहुत कुछ होते हैं ना, जो नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ऐसा ढूंढते रहते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ में पहुंच जाती है, क्योंकि वो बैंक रिस्क लेने लगती है। हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यहां पर एक बैंक है जो प्रॉफिट्स भी कर रही है, एनपीए को भी 1% से नीचे कम रखा, 1% तो छोड़िए 0.5% से नीचे भी रखा हुआ है, तो ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। टोटल एनपीए के जो प्रोविजन है 172% है। बाद में लास्ट में आता हूं प्रॉफिट्स की तरफ, 10,000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में हुआ है, 18% इंक्रीज पिछले दिसंबर से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 13,782%, और ये ग्रू हुआ है, ग्रे लिख दिया है मैंने, ग्रू हुआ है 17.1% ईयर ऑन ईयर। तो ओवरऑल देखेंगे नतीजे स्ट्रांग रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें आप शायद कह सकते हैं मंडे को गैप अप होगा, ट्यूसडे को गैप अप होगा, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप में से अगर कोई है तो मुझे लगता है उन लोगों को चीयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल माहौल में भी लोन ग्रोथ भी हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ भी हुआ है और एनपीए भी कम हुए हैं, तो एक स्ट्रांग चीजें हैं। बाकी के दोस्तों कुछ डेटा का मैं वेट कर रहा हूं, जैसे कि जो मार्जिन्स हैं वो वाला डेटा, जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी राय, तो उनके भी जब डेटा आएंगे, नए टारगेट्स आएंगे, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर के भी टारगेट्स में लेकर आया था, तो यहाँ पर भी मैं एचडीएफसी बैंक के भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने रखूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वो लर्निंग हुई होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, अपने व्यूज जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।